हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ यूएस वर्ल्ड प्रोजेक्ट का। कटरा बनिहाल के बीच में दोस्तों, कटरा से चलते हुए जो सेकंड स्टेशन है रियासी रेलवे स्टेशन का, क्योंकि दोस्तों रियासी रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का जो काम है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज। और कल मैंने दोस्तों कटरा बनिहाल के बीच में जो फर्स्ट स्टेशन है बकाल का, उसका अपडेट दिया हूँ। अगर आप लोगों ने देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो, उसका मैं अपडेट कल ही दिया हूँ। तो आज अगर आप लोग देखोगे रियासी रेलवे स्टेशन का जो काम है वो दिखाऊंगा। तो चलो बताते पूरे डिटेल्स में। तो ये देखो दोस्तों, कुछ नज़ारा है बकाल का जो आगे से जो स्टेशन है दोस्तों रियासी का। रियासी रेलवे स्टेशन का दोस्तों आप लोग लेफ्ट साइड में देखो कितना बड़ा ह्यूज जो रूप बोल्टिंग का काम है वो किया गया है। और अभी जो दोस्तों इस जगह में जो है ट्रैक डालने का काम जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को जो ये पोल दिखने वाला है जो कि दोस्तों सिग्नल पोल होता है, तो सिग्नल पोल का काम छोड़ के अगर आप लोग देखोगे राइट साइड में आप लोगों को ये जो है जो आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म का है प्लेटफॉर्म बनाने का काम है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। ये आप लोगों को जो दीवार दिख रहा है दोस्तों छोटा सा जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये जो काम है दोस्तों ये जो काम है वही प्लेटफॉर्म होने वाला है। और इसके बीच में जो ट्रैक डालने का काम है वो होने वाला है। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों इस साइड में कुछ पिलर लगाए गए हैं जो कि लोहे के हैं, और वो लोहे दोस्तों आप लोगों को पता है ये जो आप लोग ऊपर में जो कोई भी स्टेशन का आप लोग देखे हैं जो कि छत होता है वो लगाया जाने वाला है। ये देखो पिलर, इसका साथ जो छत है उसको कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ऊपर से जो सीढ़ी जाते हैं उन सीढ़ी को भी जो कनेक्ट किया जाएगा। तो आगे आगे चलते हुए अगर आप लोग देखोगे इस जगह में दोस्तों बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक ब्रिज बनाया जाएगा। देखो दोस्तों इस जगह से जो है आप लोग ब्रिज भी है जो इसका नाम एक दिया गया है धर्म ब्रिज। और ये धर्म ब्रिज का जो एक खास बात है दोस्तों, ये इंडिया का सबसे ऊंचा एक स्टेशनों में से एक है, क्योंकि इस जगह में 105 मीटर का सबसे ऊंचा लंबा जो है दोस्तों ये ब्रिज है। और ये ब्रिज सिर्फ होने के साथ साथ एक स्टेशन का पार्ट भी होने वाला है, क्योंकि जो रियासी रेलवे स्टेशन का पूरा पार्ट है दोस्तों ज़्यादातर हिस्सा में ये ब्रिज आने वाला है। तो ब्रिज होने के साथ साथ ये स्टेशन भी होने वाला है, और इसीलिए दोस्तों ये जो ब्रिज आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक है। और साइड में बैरिकेड भी लगा दिया गया क्योंकि दोस्तों बहुत ही ऊँचा है, लगभग 105 मीटर। और इसीलिए दोस्तों इस जगह में जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। आप लोग बैरिकेड देख सकते हो, दोनों तरफ ही जो है बैरिकेड लगाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हालाँकि बैरिकेड लगाने का काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, और अभी जो है इस जगह में जो है ट्रैक लगाने का काम चल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने रियासी रेलवे स्टेशन का से जुड़ा जो अपडेट है वो मैं ला चुका हूँ। और इस साइड में दोस्तों टनल T5 है, उस जगह में जो ट्रैक है वो रखा गया है, उधर से क्रेन के माध्यम से जो है ट्रैक को लाया जा रहा है और इधर में जो रखा जा रहा है, क्योंकि इधर में आगे आप लोगों को पता ही है कि जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो ट्रैक लगाने का काम है बचा है वही वाला, जो मेन काम है वही बचा है, अभी वही अभी काम चल रहा है। और अगर देख सकते हो दोस्तों इस जगह में जो तरह तरह का बहुत ही ऊँचा में जो है ये स्टेशन बनाया जा रहा है, पहाड़ को काट के बनाया गया है। बहुत ही दिक्कत बड़ा हुआ है जो काम है यूएसबीएल प्रोजेक्ट में है दोस्तों, पूरी तरह से जो प्रोजेक्ट है। और इस साइड में अगर आप लोग आओगे तो ट्रैक डालने का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ट्रेन चला दो भाई, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। इधर में जो कंक्रीट करने का काम है वो भी पूरा हो चुका है, और आगे में जो है सिंगल सिग्नल होता है दोस्तों उसके भी जो पोल है वो लगा दिए गए। और इस जगह में काम जो है 24 घंटे चलते हैं, छोटे मोटे जो काम है दोस्तों वो रात भर भी चलते हैं, और ज़्यादातर जो कंक्रीट करने का काम है वो रात को ही होता है, तभी तो दोस्तों ये जो काम है अच्छा तरीके से होता है जो कंक्रीट करने का काम है। और इधर में जो है थोड़ा मोड़ा और काम बचा हुआ है, क्योंकि इधर में जो आप लोग देख सकते हो जो ट्रैक डालने का काम तो हो चुका है लेकिन कंक्रीट करने का काम नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद जो सरिया बांधने का काम है ब्लास्टलेस ट्रैक का अभी बिल्ड किया जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट में होता है कंक्रीट करने का काम। तो इसके आगे चलते हुए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है दोस्तों ये बहुत ही बड़े बड़े जो नट है, बहुत ही बड़े बड़े जो स्टील के गडर है उसकी मदद से जो है ये सब ब्रिज को बनाया जा रहा है। और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही जो वैज्ञानिक जो टेक्निक है दोस्तों उसको यूज़ किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जो ट्रैक है वो तो अपग्रेडेड वाला है जिसके मदद से जो स्पीड में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ट्रेन चलने वाला है। और आगे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों T3 जो टनल है वो है इस जगह में, तो T3 टनल होने के साथ साथ इस जगह में है दोस्तों एक ग्रिड स्टेशन, जिसका मतलब है दोस्तों इस जगह में बहुत ही बड़े करंट सप्लाई करने के जो है एक फैक्ट्री बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आसपास के बहुत दूर तक लगभग जितना मुझे पता है संगलदान जो स्टेशन है दोस्तों उसके तक जाएगा ये जो करंट, यहाँ से सप्लाई किए जाएंगे जो। हालांकि इस सभी प्रोजेक्ट में दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाला है ज़्यादातर ही, तो इसीलिए दोस्तों इस जगह में ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन का माध्यम से जो है पूरी तरीके से काम चलने वाला है। जितने भी करंट के माध्यम करंट से जितना भी काम होता है इसी ग्रिड स्टेशन का, जो कि रियासी में है, तो रियासी से चलते हुए सभी
आसपास के स्टेशनों में जाएगा। और इसके पास अगर आप लोग देखोगे बहुत ही बड़े बड़े जो पहाड़ है उसको तो काटे गए हैं, उसके बाद सभी को रूप बोल्टिंग का काम भी किया गया है, तभी तो पहाड़ जो है लैंडस्लाइड का अगर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि लैंडस्लाइड नहीं होने वाला। इसीलिए सभी तरह के जो पहाड़ है दोस्तों उसको रूप बोल्टिंग किया गया है, एकदम पूरा दीवार बना दिया गया है पूरी तरह से अच्छे तरीके से कॉन्क्रीट के माध्यम से। अगर आप लोग देखोगे बहुत ही ऊँचा है दोस्तों ये धर्म ब्रिज, और धर्म ब्रिज मैंने पहले ही बताया दोस्तों 105 मीटर ऊँचा है मिट्टी की सतह से। और ये जो आप लोगों को ग्रिड स्टेशन दिख रहा है दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक जो है रियासी रेलवे स्टेशन का अपडेट दिया था उसमें ग्रिड स्टेशन का टूर भी दिया था। इस जगह से अगर आप लोग देखोगे ये पूरी तरीके से जो है काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और इस जगह में अगर आप लोग देखोगे दोनों तरफ जो है मतलब जो ये आप लोगों को बैरिकेड दिख रहा है लगाने का काम हो चुका है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों काम जो चल रहा है इस जगह में। और इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि अगर यूएसबीआर प्रोजेक्ट से जुड़ा अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो यूएसबीआर प्रोजेक्ट से जुड़ा सभी अपडेट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक भी कर देना, तभी आप लोगों को सपोर्ट की वजह से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो।